गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। फरीदाबाद केजीपी पर बस पलटने से आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना मोहना के निकट जलाका गांव के समीप से होकर गुजरने वाले कुंडली गाजियाबाद पलवल हाईवे की है, जहां आज दोपहर ड्राइवर की लापरवाही के चलते सवारियों से खचाखच भरी हुई बस पलट गई। इसमें लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में लगभग आधा दर्जन लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनमें से कुछ लोग गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया। चश्मदीद की माने तो वह लुकाबाद से सोनीपत बस में अपने फैमिली के साथ जा रहे थे। बस में लगभग 25 से 30 लोग बैठे हुए थे। अचानक मोहना के जलहाका गांव के पास जब बस पहुंची तो अचानक बस पलट गई, जिस सड़क हादसे में लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। उन्होंने बताया कि बस कुंडली गाजियाबाद पलवल हाईवे के रास्ते से जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया। सोनीपत जा रहे थे, तो आपके साथ कितने लोग थे? हमारे साथ करीब 15-20 लोग थे। ये बस यहीं पलटी है पलवल टोल नाके के, पलवल टोल के पास। तो मतलब एक्सप्रेस वे से आ रही थी? हाँ, हाईवे से आ रही थी। तो चलती हुई गाड़ी का स्टीयरिंग फेल हो गया था, जाम हो गया था। तो बस कौन चला रहा था? आप चला रहे थे? उसका क्या नाम था दूसरे ड्राइवर का? सलमान। आपका क्या नाम है? आदिल। आप कंडक्टर हो बस के? तो कितने ड्राइवर थे उस बस में? दो ड्राइवर थे। कहाँ से? हरदोई से पानीपत के रास्ता बोल रहे थे। हाँ, हरदोई से पानीपत जा रही थी। चढ़ना था पानीपत, आगे वही हादसे में घायल कंडक्टर आदिल की माने तो बस हरदोई से पानीपत जा रही थी। जैसे ही बस केजीपी हाईवे पर पलवल कट से होते हुए जा रही थी, तभी स्टीयरिंग जाम होने के चलते यह हादसा हुआ। उसने बताया कि उसके साथ बस में दो ड्राइवर और मौजूद थे। फरीदाबाद से वी न्यूज के लिए मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट।